नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन का आज निधन हो गया है। आज सुबह उनके बेटे आशुतोष ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। लालजी बीते 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार शाम को दोबारा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर पर रखा गया। बीच बीच में उनकी हालत में सुधार सूचनाएं भी मिलती रही हैं, लेकिन मंगलवार तड़के सुबह उनका निधन हो गया। लालजी टंडन के निधन की जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर दी। आपको बता दें कि 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में जन्मे लालजी टंडन 1958 में शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा हासिल की है। उनके पुत्र गोलजी टंडन इस समय यूपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1960 में की थी। टंडन दोबारा पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़ कर हिस्सा लिया था। लालजी टंडन को यूपी के राजनीतिक में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। 90 के दशक में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनका अहम योगदान माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।